हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप ये समझ लो कि केमिस्ट्री का जो पेपर होता है ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। आप जिस भाषा में आपकी मर्जी हो उस भाषा में आप पेपर को लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन जो केमिस्ट्री का सिलेबस है ना भाई, ये आप सभी को पढ़ना है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब चाहे आपका कोई भी ब्रांच हो, केमिस्ट्री सबको पढ़ना है और एक सेमेस्टर में केमिस्ट्री आपको सबको पढ़ना ही है। ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद फिर केमिस्ट्री का एंडिंग हो जाता है, इसके बाद आपको केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ओके। बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स तो सेकेंड सेमेस्टर तक चलेगी, ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स चलेंगे, लेकिन केमिस्ट्री का यहीं पर एंड हो जाएगा। लेकिन इस एंडिंग को बेहतर बनाने के लिए आपके पास जो है वो स्किल्स होनी चाहिए, और बेहतरीन तरीके से अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप 100% आपका बैक लग जाएगा। ठीक है, आप समझा करो, केमिस्ट्री बहुत कठिन पेपर आता है और अगर आपको अच्छे से नहीं पढ़ना है तो फिर आपकी बैक लगनी तय है। तो इसलिए जो है इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लीजिएगा, केमिस्ट्री को स्पेशली और मैथ को। ठीक है, पहले चैप्टर में आपको परमाणु संरचना के बारे में और आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये एक ही चैप्टर में आएगा, आपको याद रखना है। आवर्त सारणी पूरी कंप्लीट एक ही चैप्टर में आएगी और परमाणु संरचना भी कंप्लीट आपको एक ही चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, और ये होता है आपका चैप्टर नंबर 1। काफ़ी कम क्वेश्चन इससे आते हैं, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं इससे। ठीक है, शेष क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते। सेकेंड बात करोगे आप तो रासायनिक बंध केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ना है। ये अलग अलग से आपको चैप्टर मिलेगा जिसमें आपको पढ़ना है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये चारों प्रकार के बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, पहली चीज तो ये है। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन, एक बड़ा वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है 5 नंबर वाला, वो सीधे तौर पर पूछा जाता है सेमेस्टर एग्जाम में, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, थर्ड आपके पास हो गया द्रव की अवस्था, स्टेट ऑफ लिक्विड आपसे पूछा जाता है, द्रव की अवस्था पूछा जाता है। ईंधन वाला जो चैप्टर है ये पूछा जाता है और इससे 1-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं। द्रव की अवस्था से सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से 1-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे टोटल आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिससे जो पूछा जाता है उसी के अनुसार आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसकी वेटेज जितनी ज़्यादा है, जिससे जितने ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसको उतने बेहतर तरीके से तैयार आपको करना है। ठीक है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि मतलब आपका तैयारी बहुत बेहतर एनर्जेटिक लेवल पे होगा और शानदार तरीके से आप इन चीज़ों को ले भी सकते हैं। ठीक है, पांडे जी टेक्निकल ऐप पर तो आप सभी को सारी चीज़ें मिल रही हैं, डाउनलोड कीजिएगा ऐप को और फर्स्ट सेमेस्टर में आप जा करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। स्नेहक वाले चैप्टर पे आइएगा तो इससे 1-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-1 नंबर का क्वेश्चन लुब्रिकेंट से पूछा जाता है। आमतौर पे स्नेहक के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन जितना भी डिटेल है उससे 1-5 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ठीक है, जैसे अच्छे स्नेहकों की विशेषताएँ हो गई, स्नेहक किसे कहते हैं, उसका यूज क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा और बेहतर तरीके से कॉपी में रिप्रेजेंट करिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है जल, वाटर वाला चैप्टर से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, वाटर बड़ा चैप्टर है, जल बड़ा चैप्टर है, याद रखिएगा, इसमें जल को शुद्ध करने की सारी विधियां दी गई हैं। जल वाले चैप्टर आप सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जल की शुद्ध करने की विधियाँ, कठोर जल, नॉर्मल जल, ये सारी चीज़ें आपको दी गई है और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, 100%। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप आइएगा तो इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेल और बैटरी वाला सारा पोर्शन जो है इससे पूछा जाता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ें इससे पूछी जाती हैं, तो इसका भी वेटेज आपका ज़्यादा होता है। 1-5 नंबर का क्वेश्चन, 1-2 नंबर का क्वेश्चन, इसके बाद एक यहाँ से 1 नंबर वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-1 नंबर वाले 9 चैप्टर से पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, यानी कि यहाँ से भी 1 नंबर, यहाँ से भी 1 नंबर, यहाँ से भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन, यहाँ से भी 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 टोटल आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। और इन 10 1-1 नंबर के क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि 10 1-1 नंबर के क्वेश्चन को 1-1 चैप्टर में करके पूछा जाएगा। ठीक है, 1 चैप्टर से 1-1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, जैसे जल से 1 नंबर का क्वेश्चन 1 आ जाएगा, वा और लुब्रिकेंट से 1 नंबर का क्वेश्चन 1 आ जाएगा, परमाणु संरचना से 1 नंबर का क्वेश्चन 1 आ जाएगा, स्नेहक से 1 नंबर का क्वेश्चन 1 आ जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है,
संक्षारण वाला जो है इससे भी आपके एक दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एक नंबर वाला क्वेश्चन लगभग सबसे आएगा और ये सिर्फ 10 ही रहेगा, जो कि आपको पास कराने में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आपने सही सही बना लिया तो एक एक नंबर आपके मिलते चले जाएंगे, ठीक है। टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन होगा और ये कंप्लीट चीज़ें आप दोस्तों पांडे जी टेक्निकल ऐप पर देख सकते हैं, ठीक है। पांडे जी टेक्निकल ऐप पर देख सकते हैं ये कंप्लीट चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और पूरे यूट्यूब पर सबसे कम फीस में आप अपनी पूरी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा तो सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास आ जाता है, सबसे नीचे वाला जो चैप्टर आप देख रहे हैं, कार्बनिक यौगिक बहुलक एवं प्लास्टिक, ठीक है। अब समझिएगा बात, कार्बनिक यौगिक से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, सीधे तौर पे कार्बनिक यौगिक से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। IUPAC इसी में है तो कभी कभी इसी से ही सीधे 5 नंबर आ जाता है। कार्बनिक यौगिक में IUPAC नाम लिखना है आपको और 5 नंबर आपको देना है, ठीक है। उसके बाद बहुलक से भी एक क्वेश्चन आएगा, वो 5 नंबर का रहेगा। प्लास्टिक से भी एक क्वेश्चन आएगा, वो 5 नंबर का रहेगा। सबसे ज़्यादा जो है, और इसमें से 2 नंबर और 1 नंबर के क्वेश्चन सब मिला दिया जाए तो 15 से लेकर के 20 नंबर जो है अकेले ये चैप्टर आपको देता है, और ये चैप्टर इसी अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसका हर सेक्शन 5 नंबर का है, ठीक है। तो बाकी सारे सेक्शन तो आपके पास दिख ही रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे लास्ट वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका कार्बनिक यौगिक भी 5 नंबर IUPAC में पूछ दे, चाहे यौगिक में पूछ दे या रासायनिक अभिक्रिया के तौर पे पूछ दे, 5 नंबर पूछेगा ही। बहुलक भी बेटा 5 नंबर, ठीक है, कोई ना कोई एक बहुलक आपसे पूछ लेगा। प्लास्टिक में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस 5 नंबर, एक क्वेश्चन 100% फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अंतर ये है, आपको इसी तरीके से चलना पड़ेगा तब जाकर के आपका काम बनेगा। ये पूरी तैयारी की आपकी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। ऐसे ही आपको पढ़ना है। पढ़ना कहाँ है? पांडे जी टेक्निकल ऐप पर, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा और उसके बाद आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी सारी वीडियोज जो हैं कंटिन्यू लगातार आपकी आती रहेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा, ओके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।